इस बयान के बाद झारखंड की विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड के राज्यपाल ने आदिवासियों का सरकार होने का दम भरने वाली हेमंत सरकार को शीशा दिखाने का काम किया है। महामहिम ने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संस्कृत और सभ्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनका यह कहना भी उचित है कि घुसपैठी आदिवासी बेटियों से विवाह कर सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तो राजधर्म निभाना चाहिए। राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल बता रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठ चरम पर है, फिर भी सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। अभी यमराज सरकार घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें बाहर निकालने का काम करे। वहीं राज्यपाल के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता का कहना है कि मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का बयान महामहिम को जारी नहीं करते हुए झारखंड में हो रहे घुसपैठ के विषय में गृह मंत्री प्रधानमंत्री को अवगत करना चाहिए था। घुसपैठ रोकने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन होता है और गृह मंत्री इस विषय में संजीदा होते तो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की स्थिति ऐसी नहीं होती। महामहिम ने घुसपैठियों पर चिंता जताई है। स्वाभाविक तौर पे महामहिम की चिंता लाजमी है, लेकिन हमें यह लगता है कि महामहिम को अखबारों के बजाय अगर वो गृह मंत्री जी के पास इसकी चिंता जताते तो स्वाभाविक तौर पर महामहिम की चिंता सार्थक होती। लेकिन महामहिम ने अखबारों पर चिंता जता करके यह बात प्रदर्शित कर दिया है कि वो इस विषय पे गंभीर नहीं है, बल्कि सिर्फ इस विषय पे महामहिम भी अब राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस गृह मंत्री के अधीन होता है और अगर गृह मंत्री जी इस पर अगर संजीदा होते तो आज झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की ये स्थिति नहीं होती। तो कहीं ना कहीं महामहिम जो अखबारों के माध्यम से ये चिंता जता रहे हैं, तो महामहिम जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री जी के पास, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के पास चिंता जताएं और महामहिम को मणिपुर की घटना पर भी चिंता जता देनी चाहिए, ताकि राज्य के लोग भी महामहिम की संजीदगी पर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं वो प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते।